और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर काला जठेड़ी को 14 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। स्पेशल सेल की रिमांड में काला जठेड़ी को भेज दिया गया है। सहारनपुर से उसे गिरफ्तार किया गया था। जठेड़ी को न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है, काफी लंबे वक्त से फरार चल रहा था। उसके साथ उसकी एक सहयोगी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर सामने आ रही है कि काला जठेड़ी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। स्पेशल सेल की रिमांड में उसे भेजा गया है। सहारनपुर से काला जठेड़ी की गिरफ्तारी हुई थी। ये 7 लाख का इनामी बदमाश है जो काफी लंबे वक्त से फरार था और पुलिस को इसकी तलाश थी और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि 7 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके साथ काला जठेड़ी की एक सहयोगी भी गिरफ्तार की गई है। 14 दिन की पुलिस रिमांड में काला जठेड़ी को भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था काला जठेड़ी, उसके साथ साथ उसकी एक सहयोगी थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। 7 लाख का इनामी बदमाश भी इसको बताया जाता है। और दीपक बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, बड़ी कामयाबी कही जाएगी क्योंकि अनुराधा जो एक गैंगस्टर है और साथ ही उसका बैकग्राउंड जो है वो राजस्थान में काफी खतरनाक है और इसका जो काफी समय से गठजोड़ जो है काला जठेड़ी के साथ, और इसकी कामयाबी की जो गिरफ्तारी जो हुई है वो लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हुई क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से लगातार स्पेशल सेल ट्रैक पर थी और ट्रैक करने के बाद ही काला जठेड़ी की गिरफ्तारी होना बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा था। लेकिन उसके साथ ही अनुराधा जो राजस्थान में काफी बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड रखती है और साथ ही उसके खिलाफ कई संगीन अपराध दर्ज है और सबसे अहम चीज है कि इसके ऊपर जबरन उगाही के कई सारे मामले हैं और इसको लेकर अब स्पेशल सेल दोनों को जो है अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी और हो सकता है कि राजस्थान पर भी लेकर जाए और उसके साथ ही कई जगह की अभी जो तलाशी है चाहे वो जांच के कई हिस्से हैं उन सभी को इकट्ठा करके एक बार फिर पूछताछ करेगी। लेकिन 14 दिन की जो पुलिस कस्टडी मिली है वो बड़ी कामयाबी कही जाएगी क्योंकि पुलिस के लिए पूछताछ के लिए काफी दिन है और दोनों को आमने सामने बिठाकर कई सारे राज खुले जाएंगे, कई सारी जो तहे हैं वहां तक पहुंचा जाएगा। बिल्कुल, तो काला जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम घोषित था और इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर काला जठेड़ी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उसकी सहयोगी को भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। यानी अब इनसे पूछताछ होगी और अब आगे क्या खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। वही